Thank <laughs> hi everyone good morning uh, welcome to the daily newspaper analysis uh, today is monday uh, 18th of january so today we'll be covering the newspaper uh, of sunday and as well as uh, today that is monday 18th so very good morning to all of you aap log? so just start in two minutes um, ज so nice uh, you know, कल से स्टार्ट हो चुकी है तो आई होप ऑल ऑफ यू आपने लेक्चर देख लिया ले होगा जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज देख लेंगे सो so चलिए स्टार्ट करते हैं तब तक तो और लोग जुड़ जाएंगे एंड फर्स्ट इज द डेली मोटिवेशनल कोट सो स्ट्रेंथ इज द प्रोडक्ट ऑफ योर स्ट्रगल यू मस्ट डू वॉट अदर्स आर नॉट डूइंग टू अचीव वॉट अदर्स विल नॉट अचीव ठीक है सो यू हैव टू बी स्लाइटली डिफरेंट जो हर कोई कर रहा है हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपने बहुत सुना होगा बट हर्ड मैंटेलिटी भी एक चीज़ होती है कि वॉट अदर्स आर डूइंग यू की पॉट डूइंग द सेम थिंग देन यू विल नॉट बी डिफरेंट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक सो यू हैव टू डू समथिंग एल्स वॉट अदर्स नॉट डूइंग सो दे फॉर स्ट्रेंथ जो है वो आपके स्ट्रगल से निकल के आती है जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आप एक्सपीरियंस लेते हो और वहीं से आपकी स्ट्रेंथ भी जनरेट होती है तो स्ट्रेंथ करेज ऑफ मूविंग ऑन एंड कैरिंग ऑन कैरिंग फॉरवर्ड विल कम फ्रॉम द स्ट्रगल दैट यू फेस एवरी डे सो दिस मॉर्निंग आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट बाकी टेलीग्राम uh, चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे दीपांशु सिंह ऑफिशियल पे एंड uh, ये कल इन्वायरमेंट की सीरीज स्टार्ट हुई है कल लेक्चर वन था इसका आई होप आपको uh, काफी पसंद आया होगा तो ये शंकर आई एस संपूर्ण पर्यावरण कंप्लीट इन्वायरमेंट सीरीज है जिसमें मैं कंप्लीट शंकर आई एस बुक कवर करूंगा इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स के साथ इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग का इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाए दिस इज अ कंप्लीटली फ्री सीरीज स्पेशल क्लास सीरीज है यू कैन यूज़ द कोड डीप टू सेवन टू अनलॉक इट और कल रात को एक क्लास लेने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट वेल सो आज ये क्लास सिक्स थर्टी पी एम पे होगी सो दिस इज अबाउट हाउ टू डेस्टमेट प्रब्ल एंड स्कोर अराउंड हंड्रेड एंड टेन प्लस शंकर आयस का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो वेंजडे को होगा तो हम लोग हर दो दिन ऑल्टरनेट दिन पे इसको करेंगे उसके बीच में हमारी आपको पता है कि एवरी डे इन द इवनिंग वी आर गोन हैव अ करंट अफेयर्स क्लास तो करंट अफेयर्स की जो स्पेशल क्लास होगी अपार्ट फ्रॉम द डेली यूट्यूब एनालिसिस जिसमें हम लोग एम सी क्यूज़ भी करेंगे ये होगी स्पेशल क्लास में अराउंड टेन थर्टी पी एम पे तो ये भी है इसलिए हर दो दिन ऑल्टरनेट दिन के बाद ये वाली क्लास होगी शंकर आये और ये वाली क्लास आज सिक्स थर्टी पी एम पे इसको जरूर अटेंड करेगा आप सब लोग सो कोड है टू अनलॉक इज डी टू सेवन किसी भी फ्री क्लास को कोई भी एनी फ्री क्लासेस एनी फ्री कंटेंट एनी फ्री क्विज और इवन सब्सक्रिप्शन के लिए भी यही कोड है डी टू सेवन ठीक है तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो टू अटेंड दिस क्लास विल टॉक अबाउट क्वेश्चन पैटर्न क्या फोकस कर सकते हैं आने वाले छः महीने में प्रब्लम्स के लिए स्पेशली ऑल्सो फॉर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर यू पी पी सी एस एंड एम पी पी एस सी ठीक है उन लोगों के भी एग्ज़ाम है अप्रैल जून में तो इसके बारे में भी बात करेंगे ये जून इसकी भी डेट आ गई ये जून सत जून सत्रह इसकी भी डेट आ गई एम बी पी एस सी की तो इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा कि कैसे इन सब एग्जाम्स को आप अलाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन यू पी एस सी प्रिपरेशन के साथ बाकी आज अट्ठारह तारीख़ है जैसे मैंने बताया आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सिक्स मंथ्स कोर्स है वन ईयर कोर्स है और टू ईयर कोर्सेज भी हैं कंप्लीट सिलेबस कवरेज विद टॉप एजुकेटर्स सब लोग के आप नाम देख सकते हो पूरी लिस्ट है हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे उसके अलावा कुछ स्पेसिफ़िक बैचेज हैं जो एन के लिए हैं फॉर सी एस आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए है कोड डी टू सेवन और डी फॉर्टी टेन ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ डिपेंडिंग ऑन यू बाकी कल कॉम्बैट हो चुका है आई होप आप लोग काफी अच्छा हुआ होगा मेरे मेरे काफी स्टूडेंट्स से डिस्कशन हुआ सो इट वॉज अ वेटी गुड पेपर फॉर ऑल ऑफ दम एंड ऐसे ही कॉम्बैट हर पंद्रह दिन में होगा आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिए स्टैंड टू विन अमेजिंग प्राइज इन दिस राइट चलिए तो आज क्या अगर न्यूज़पेपर आप देखेंगे कोई भी एडिटोरियल खास नहीं लगा हम लोग को कि जिसको हम लोग बोल सकें कि हाँ ये बहुत गर्दी एडिटोरियल था डिस्कशन के लिए मतलब कुछ भी अगर आप देखोगे देर वॉज नॉट नथिंग इन द एडिटोरियल्स मैंने इंडियन एक्सप्रेस देखा मैंने हिंदू देखा इंडियन एक्सप्रेस में एक फूड बास्केट को लेके एम एस पी जो है वो चेंज uh, करने की ज़रूरत है एंड दैट इज समथिंग जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं uh, बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स में सो इन दिंदू दे वॉज नथिंग दे वॉज एन आर्टिकल ऑन ट्रंप जो वेस्ट ऑफ टाइम है ठीक है चले गए कुछ उनका ट्रम्पिज्म ट्रम्प Trump चले गए बोल ट्रम्पिज्म इज ईयर टू स्टे दैट इज इज पॉलिसीज़ आर ईयर टू स्टे बट लेट सी हाउ डोनल्ड नो जो बाइडन आने के बाद डोनल्ड की पॉलिसीज को कैसे कैंसिल करेंगे नेक्स्ट इज अबाउट एक इकोनॉमिक रिकवरी को लेके और इकोनॉमिक बूम को लेके है कि कैसे पैंडमिक में uh, एक uh, एक साइड में तो जीडीपी नीचे जा रही थी बट वहीं पे जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही थी ये क्या है अब ये बहुत ही टेक्निकल आर्टिकल है इसमें हमें ज्यादा मतलब नहीं है कुछ और इज समथिंग दैट एवरीबडी नोज कि गोल्ड प्राइस स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं जब क्योंकि एज अ एज अ सॉर्ट ऑफ़ सिक्योरिटी ठीक है स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज बिकॉज अ सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी बूम हुआ इसके बारे में उसमें लिखा है दो इसका माइंड मैप टीम ने मिल शेयर कर दिया है सो so, हम हाँ, हम लोग आपको एक माइंड मैप शेयर करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ये भी कोई खास आर्टिकल नहीं था देन देर वॉज एन आर्टिकल ऑन मार्टिन लूदर किंग जूनियर कि कैसे यू नो सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए उन्होंने काम किया है एंड उसमें सिर्फ ये एक रेफरेंस आया कि उन्होंने इंडिया के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से काफ़ी कुछ सीखा है सी डी एम मूवमेंट से सो ही हैड अ वेरी फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम सो उसके बारे में उन्होंने बताया अगेन नॉट वेरी रिलिवेंट फॉर एग्जामिनेशन कुछ ज़्यादा खास पॉइंट्स मिलेंगे नहीं मतलब कुछ हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलेंगी दैन इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप देखोगे पूरा पेपर छाट मारा है आप लोगों के लिए हमने ठीक है इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था जो जो था वो था फूड बास्केट को लेके उसमें उन्होंने एम एस पी की बात करी है कि एम एस पी जो है वो आप लोग जो है फ़िश पर देना चालू कर दो फिशरीज पे देना चालू कर दो क्योंकि ये एरियाज़ हैं फिशस पोल्ट्री जो ग्रो कर रहे हैं काफ़ी तो इसके लिए भी कुछ एम सिस्टम होना चाहिए बस इतना ही था नोट करने के लिए और कुछ था नर्टिकल में दो दे वॉज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग और इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम इन ओनली थिंग दैट इज देयर वॉज इन द हिंदू वॉज एन एडिटोरियल सेक्शन में लेफ्ट इन साइड में ऑन अबाउट डेटा प्रिवेसी को लेके तो उसको हम लोग देख लेंगे बाकी क्योंकि सैटरडे संडे uh, और मंडे का न्यूज़पेपर हमें देखना है तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ की हमें डिस्कस करनी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें आई है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो ये तो ये बात हमारे ट्यूटोरियल की पूरे पेज में मैंने समअप कर दिया कि क्या सिचुएशन रही एडिटोरियल की तो आप देखोगे कोई भी खास एडिटोरियल आज के न्यूज़पेपर में नहीं आया राइट सो बाकी जैसा आपको पता है कि कल मेंस पेपर था यूपीएससी का तो सोशियोलॉजी के मेंस पेपर के बारे में बात करेंगे बाकी आयुषी ने बताया कि मेरे पीएसआईआर के पढ़ाए हुए पेपर 2 में काफी आया क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन है करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है पेपर sure टू तो आई इम कि काफी सारी चीजें आई होंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी सारे टॉपिक तो पहला जो एडिटोरियल है दैट इज ऑन द अपडेट डिबेट दिस इज रिगार्डिंग व्हाट्सएप पॉलिसी अभी क्या है कि अब जो व्हाट्सएप का इशू चल रहा है आपने देखा होगा उसको लेके काफी बवाल हो रहा है और गवर्नमेंट uh, भी काफी एक्टिव हो गई है गवर्नमेंट ने और जो पार्लियामेंट्री कमेटी आई टी की उन्होंने समन किया है फेसबुक और व्हाट्सएप को क्योंकि फेसबुक इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ व्हाट्सएप तो अब क्या है कि इस पर गवर्नमेंट का क्रैकडाउन चालू हो गया बिकॉज गवर्नमेंट को भी चीज़ पसंद नहीं आ रही कि इंडियन सिटीजनस का डेटा ऐसे इधर उधर यूज़ किया जा रहा है लीक हो रहा है सो गवर्नमेंट इज बिकमिंग strict now एंड आई थिंक WhatsApp और फेसबुक में शायद इनके ऊपर कोई एक इम्पॉर्टेंट uh, डिसीजन आ सकता है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट मतलब जितना मुझे लग रहा है जो सिचुएशन है गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ करैकडाउन ऑन व्हाट्सऐप नाउ बिकॉज व्हाट्सएप सब लोग यूज करते हैं और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज करते हैं तो अगर ऐसा हो रहा है दैट मीनस कि इंडियन गवर्नमेंट का भी सेंसिटिव डेटा कहीं ना कहीं लीक हो रहा है सो व्हाट्सएप डिसीजन टू डिले द अपडेट ऑफ इट्स प्रिवसी फॉलोइंग फॉलोइंग ब्लैक्ट एक्नोलॉजमेंट ऑफ एंक्रीजिंगली रोल प्ले बाय पर अब प्रिवसी So, अब क्या है जैसे आपको पता होगा सिग्नल लोग जो है शिफ्ट करने लगे जो जो इलॉन मस्क ने लॉन्च किया so, Signal. Signal ही कर गया वो ऐप ही क्रैश कर गया इतना लोगों ने डाउनलोड कर दिया तो व्हाट्सएप हाँ बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने व्हाट्सएप अपने आप को बचाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट डाल रहे हैं सो व्हाट्सएप पॉलिसी अपडेट हैज क्लियरली स्पूक मेनी यूजर्स प्लेटफॉर्म लाइक सिग्नल एंड टेलीग्राम तो मैंने आपको पहले ही बोला टेलीग्राम यूज करो टेलीग्राम पे मैसेज करो टेलीग्राम पे आप लोग हमें मैसेज करें कोई दिक्कत हो टेलीग्राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू बी ऑनस्ट सो अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स को देखेंगे तो सिग्नल ऐप हैज़ स्टॉप द चार्ट्स एंड व्हाट्सएप इज अंडर फायर बिकॉज ऑफ द डेटा शेयरिंग प्रिंसिपल अब इसमें क्या है कि व्हाट्सऐप uh, कई बार मतलब डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है एड निकाल रहा है और हर जगह मैसेजेस बता रहे हैं कि अगर आप बिजनेस यूजर हो तभी आपका डेटा यूज होता है अगर आप प्राइवेट पर्सनल यूजर हो तो आपका डेटा यूज नहीं होता क्योंकि एक व्हाट्सएप बिजनेस करके भी अकाउंट होता है जहाँ पे आप देखो कि कई सारी शॉप्स होती हैं कई सारे बिजनेस होते हैं उनका व्हाट्सएप नंबर होता है तो जैसे आप मैसेज करोगे तो ऑटोमेटेड मैसेजेस आते हैं इनफैक्ट मेरा भी एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है दूसरे नंबर का तो आप लोगों को कोई क्वेरी होगी तो उसमें ऑटोमेटेड मैसेजेस आते हैं <coughs> तो उसमें क्या होता है लिंक्स होते हैं उसमें कैटलॉग्स होते हैं उसमें ब्रोशर्स होते हैं तो उस तरीके पर उसमें बोला क्योंकि वो क्या है वो फेसबुक यूज़ करेगा टारगेटेड एडवर्टीजमेंट के लिए और जो टारगेटेड आपके जो कंपनीज़ हैं उनके एड्स को दिखाने के लिए या फिर एडवर्टाइजर्स को वो यूज़ करने के लिए तो वो जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है वो उन्होंने बोला है व्हाट्सएप ने कि उसका डेटा शेयर होता है पर्सनल डेटा या चैट्स रीड करने की कैपेबिलिटी नहीं है बट हमें भी पता है कि आजकल जो हो रहा है जैसे अर्नब गोस्वामी का चैट लीक हो गया सिमिलरली uh, आप बाकी सारे लोगों का देखते हो तो टेक्निकली वॉट वी नो इज़ जितना डोमेन में है कि डेटा आपका लीक होता ही होता है ठीक है वो आपका डेटा लीक होता ही कहीं ना कहीं से होता है सो इट कै नॉट फोर्स दिस चेंजेस ऑन अब तो अब यूरोप में क्या है कि मिलियंस ऑफ बिजनेस इंट्रैक्शन टेक प्लेस एवरी डे ऑन व्हाट्सएप एंड द न्यू प्रेवेसी अपडेट्स टू मे दीज इजियर ऑल्सो वाइल इनेबलिंग पर्सनलाइज एज ऑन फेसबुक तो अब क्या है कि यूरोप का अगर आप देखोगे जी डी पी आर डे जो जी डी पी आर रेगुलेशन है वो वन ऑफ द स्ट्रिक्ट है इन द वर्ल्ड और ये जी डी पी आर को बाईपास नहीं कर पाएंगे जी डी पी आर इज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट वन तो इंडिया को डू विद सच ओ लॉ जैसे वो बोल रहे हैं कि इंडिया का भी एक वर्जन होना चाहिए जी डी पी आर का ऑल इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ लॉ एंड हैज बीन सो फार यू नो फॉर अ अयरसी प्रैक्टिस सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो है आपको पता तो है एवरीबडी नोज अबाउट इट एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट इट और डेटा जिस तरह से यूज होता है उसका प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि कंपनीज आर मेकिंग बिलियंस बट अल्टीमेटली यू आर द प्रोडक्ट देखोगे ना दो तो आपने एक बहुत फेमस लाइन सुनी होगी इफ एनीथिंग इज कमिंग फॉर फ्री अगर कोई चीज़ आप फ्री पे एक्सेस कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट अगर आप पे कर रहे हो तो दैट मीन्स आप प्रोडक्ट के लिए पे कर रहे हो बट इफ़ एनीथिंग इज कमिंग फॉर फ्री टेक्निकली आज के कमर्शियल स्पेसिस में टेक्नोलॉजी के स्पेसिस में तो टेक्निकली आप वो प्रोडक्ट हो तो आपका डेटा आपकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं राइट सो वायलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन एब्सल्यूटली बाकी फाइनेंशियल बूम अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पैराडॉक्स बिकम्स क्लियर बाय रिकॉग्नाइजिंग द सर्किट ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज बियॉन्ड द रियल इकॉनमीम अब ये माइंड में आपको हेल्प करेगा थोड़ा समझने में लेकिन कि क्या हो रहा है बट ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या होता है कि करंट सिनारी में आप देखोगे जी नीचे जा रही है हमारी जी डी पी माइनस ट्वेंटी से कॉन्ट्रैक्ट कर गई ठीक है आपको इस सिचुएशन पता ही हम लोग डिस्कस करते आए हैं रेगुलरली 23.1 परसेंट से नीचे चली गई है जीडीपी सेंसेक्स uh, लेकिन जो है वो अपवर्ड ट्रैक पर रहा है हमेशा एंड टेम्प्रेरी डाउनवर्ड स्लाइड्स रहे हैं सेंसेक्स के भी बट मोस्टली इट इज ऑन अ बूम पीरियड सो फाइनेंशियल गेम्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन द रियल इकोनॉमी अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है स्टॉक मार्केट में लोग अपना एक्सेस पैसा लगाते हैं और वो क्या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होता है और ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से नहीं आ रहा है कई बार क्या होता है लोन उठाया हुआ पैसा होता है लोग लगा देते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ गैम्बल ऑनस्टली स्पीकिंग स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल वो एक तरीके का जुआ ही है जो बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं और आजकल सब लोग खेलने लग गए बट ये क्या है इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं निकलती स्टॉक मार्केट में हाँ जो स्टॉक मार्केट में पैसा आया है उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी बट एक्चुअली में जो पैसा लगा है जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से नहीं आया कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि अपना जो हार्ड अर्नड मनी है उसका बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट वो अपने स्टॉक मार्केट में लगाया बिकॉज उसने भी पता है कि एक तरीके का जो है आज ऊपर है कल नीचे सो इट्स जस्ट अ गेम ऑफ गैम्बल गैम्बलिंग है पूरी तो फाइनेंशियल गेन्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द रियल इकानमी इंडिया जी डी पी जो है ट्वेंटी थ्री पॉइंट वन परसेंट नीचे गई है और सेकेंड uh, क्वार्टर uh, अगर आप देखोगे वो भी माइनस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है एंड जी डी पी कंटिन्यूज टू बी सब वाइल फाइनेंशियल कंटिन्यूज टू बी मूविंग अप तो स्टॉक मार्केट ऊपर है जीडीपी नीचे और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा हमेशा होता है आप देखो कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं बिकॉज गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है क्यों बिकॉज गोल्ड इज़ अ रियल कमोडिटी ठीक है एक प्रैक्ट आप कह सकते हो कि रियल एग्जिस्टिंग कमोडिटी है जिसकी वैल्यू <coughs> बढ़ती है क्योंकि लोग होर्डिंग होर्डिंग <coughs> करने लग जाते हैं उसकी उन्हें लगता है कि गोल्ड की फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकती है तो लोग उसको ख़रीदने लग जाते हैं अब ऑब्वियस यहाँ डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ी जाएगी तो <coughs> स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिकवरी नीचे जा रही होती है या फिर इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो रही होती है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये इन्वेस्टिंग टाइम है क्योंकि क्या है स्टॉक के प्राइसेस नीचे हैं मार्केट नीचे है तो बहुत सारा पैसा आएगा ऑब्वियसली बात है सस्ते में शेयर्स मिलेंगे या ऐसी सिचुएशन में शेयर्स मिलेंगे ऐसा टाइम होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको फ्यूचर में आप होप करते हो कि आपको उससे गेंस मिलेंगे तो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं है ये डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं एडवांस इकोनॉमीज में भी ऐसा ही हो रहा है और जॉब कहीं पर जनरेट नहीं हो रही लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है सो इन इंडिया देर इज अ बॉन्सर रीप इन दी स्टॉक मार्केट बियज नो इंक्लूड्स द अप्रोटिंग ऑफ माइग्रेंट्स पैंडेमिक लॉकडाउन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एंड जॉबलेसनेस इन द कंट्री तो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूथ के पास जॉब नहीं है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ है कन, गुण थे गुण थे कंट्री की लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स ही अलग हैं ठीक है यहाँ पे प्लेयर ही यहाँ पे प्लेयर्स ही अलग हैं इन सब चीज़ों के तो फ्लो ऑफ फाइनेंस अगर आप देखोगे इसमें फाइनेंस हैविंग नो रोल इन प्रोडक्टिव सेक्टर वॉज टर्म्ड एज फिक्टियस कैपिटल बाई मार्क्स तो यहाँ पे आप देखोगे कैपिटलिज्म के बारे में टेक्निकली स्पीकिंग इट्स ऑल अबाउट कैपिटलिज्म तो ये कैपिटलिस्ट का किया हुआ सिस्टम है कार्ल मार्क्स की इन्होंने थ्योरी यहाँ पे मेंशन की है कि ये फिक्टियस कैपिटल है ये मतलब रियल कैपिटल नहीं है ये फिक्टियस फाइनेंस इंक्लूडिंग क्रेडिट सर्कुलेशन बॉन्ड इंटरेस्ट और अलग अलग तरीके से पैसा निकाला गया है जो अपना कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में अब आपको पता ही है जैसे आपने इतना देखा होगा स्कैम देखा होगा इतनी सारी वेब सीरीज आ गई आपने अलग अलग जगह सुना होगा कि क्या करते हैं ये लोग बैंक से लोन उठाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी कोई अपना रियल पैसा जो है जो इनके पास कह सकते हो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो कभी भी नहीं उसको इन्वेस्ट करते ये लोग एक्स्ट्रा जो या तो प्रॉफिट से पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर ये लोग लगाएंगे जो लोन उठाएंगे कभी भी जो जो इनके पास मेन पैसा है जो कह सकते हो कोर कैपिटल होता है कभी भी कोई नहीं लगाता बिकॉज दे नो इट्स अ रिस्क तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट जनरेट करने का सिस्टम है स्टॉक मार्केट तो अलग तरीके से रेंट कैपिटल मिला है फिक्टियस फाइनेंस जो है <coughs> <coughs> ये सब चीज़ें सो so, उसके अलावा आप देखोगे स्टैंडर्ड कंप्यूटर एंड पैकेजेस हैं आजकल तो सारा डिजिटल हो गया स्टॉक मार्केट पहले क्या होता था तो बोरी लगती थी आपके बीच में आपने देखा होगा स्कैम में जो सीरीज़ है नाइन्टी टू स्कैम उसमें जो है स्टॉक मार्केट में आपके जो है वहाँ पर तो प्रैक्टिकली सेलर्स होते थे बायर्स होते थे आजकल तो एवर, एवरी एवरी ट्रेडिंग इज डिजिटल नाउ आजकल तो और भी हाई फाई सिस्टम आ गया आजकल तो प्रोडिक्शन हो जाता है स्टॉक का किसकी प्राइस कहाँ जाएगी ऊपर नीचे कहाँ जाएगी तो बेसिकली दिस दिस हैज नो लिंक विद द जी डी पी ग्रोथ रेट एंड आज क्या है कि इट हैज़ अ लिंक टू स्टेटो तो अगर आप फाइनेंस अटेन देखोगे जो प्रेजेंट स्टेटस में क्या गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है तो इट हैज अ पावर रिलेशन ऑल्सो लुक एट द अलायसेज बिटवीन फाइनेंस एंड रूलिंग स्टेट द पास स्टार्टेड विदीपिंग ऑफ फाइनेंशियल इन नाइनजन मेक प्रॉफिट बाई डी विद सिक्योरिटीज इट रिफ्लेक्टेड इट रिफ्लेक्स द रेज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑपरेटिंग बियॉन्ड रेगुलशन तो ये क्या है इसमें स्टेट का भी सपोर्ट जरूरी नहीं तो सर्वाइव नहीं कर सकता आजकल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है क्योंकि गवर्नमेंट खुद पैसा जो है बोरो करती है स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करने के लिए अब डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको बोलते हैं तो आर तो प्रिंट करेगा नहीं पैसा क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आजकल स्टॉक मार्केट से खुद ही स्टॉक मार्केट हो गया अलग अलग जो ओपन मार्केट्स होते हैं उससे गवर्नमेंट खुद अपने पैसे रेज करती है सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज तो बेसिकली द आइडिया ऑफ द आर्टिकल इज कि जो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि पैंडेमिक है या कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो जिसमें आपका जी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है लेकिन आपका जो है कंट्री uh, का आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट बूम कर रही है फाइनेंशियल सेक्टर बूम कर रहा है एट द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बिकॉज द मनी दैट हैज बीन इन्वेस्टेड इज नॉट द रियल मनी ये क्या फिक्टियस कैपिटल है जैसा कार्ल मार्क्स ने बोला सो so, मार्क्स बाबा की थ्योरी काम आ गई फिर से तो बस इतना ही था इस आर्टिकल में ठीक है तो नॉट मच इन दिस बाकी मूविंग ऑन टू अदर सेट दर से जी सेवन मेंबर कंट्रीज तो प्राइम uh, मिनिस्टर जो है मोदी जी को इनवाइट किया गया है इन uh, यूके और यूके ने इनवाइट किया है टू द जी सेवन समिट इन जून उसके पहले बोरिस जॉनसन जो पहले रिपब्लिक डे पे आने वाले थे उनकी विजिट हो सकती है सो जी सेवन पहले जी एट हुआ करता था बट आपको पता है आफ्टर द क्राइमिया क्राइसिस और जी uh, एट के जी एट से रशिया को बाहर निकाल दिया गया तो अब वो जी सेवन बन गया है सो so, ये आपके वर्ल्ड के कह सकते हो टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं कैनाडा यू एस यू के जर्मनी फ्रांस इटली एंड जापान अब इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया है और इंडिया को इन्वाइट किया गया है टू जॉइन दिस अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया आर ऑल्सो गेस्ट कंट्रीज तो अगर आपकी क्विज में क्वेश्चन आए <coughs> तो याद रखिएगा दैट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया द गेस्ट कंट्रीज इन दिस

तो दिस इज़ इन लाइन आफ्टर दैट तो बोरिस जॉनसन शायद उसके पहले आ सकते हैं जून के पहले इंडिया अगर सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी कोरोना वायरस की वैक्सीन वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है जैसा कि आपको पता है अलग अलग सेंटर्स में तो दैट इज़ अ सिचुएशन बाकी uh, <coughs> जैसा कि आपको पता है कि कोविड वैक्सीनेशन है स्टार्टेड दो वैक्सीन है इंडिया में जिनको अप्रूवल मिला है वैक्सीन के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप चूज़ नहीं कर सकते कि आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी तो इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक की किसकी लगनी आप नहीं चूज़ कर सकते यू कॉन्ट चूज़ बिटवीन दम जो है सो है जो लगेगी सो लगेगी दोनों में से कोई भी लग सकती है आपको और उसी का ही दूसरा डोज लगेगा आपको जिस जिसका आपने लगाया हुआ है या तो भारत बायोटेक का लगाया हुआ है या फिर इंस्टीट्यूट का लगाया हुआ है तो आ, वो आपका आ, वही आपका सेकेंड डोज लगेगा निदा कोई एक्रोनिम नहीं है जी सेवन इज ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज सो नेक नो केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वैसे एडवर्स रिएक्शन नोट किए गए हैं लगभग चार सौ लोग साढ़े चार सौ लोगों के ऊपर जो है पीपल हैव नोटेड एडवर्स रिएक्शन ऑफ द वैक्सीन बट कोई मेजर केस नहीं आया है एक इंसिडेंट आया है ऑफ डेथ बट शायद वो वैक्सीनेशन को लेकर नहीं है बट उसको वैक्सीनेट किया गया था ऐसा एक न्यूज़ में आया है कि देर हैज़ बिन वन इंस्टेंस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन समवेयर इन साउथ इंडिया बट नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन येट एंड मिनिस्ट्री हैथ सेट दैटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी फाइव पर्सन इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग दी इम्यूनाइजेशन जो ड्राइव है आपका तो ये अलग अलग जगह अब जैसे संडे को उतना ज़्यादा ड्राइव नहीं किया गया जब सैटरडे से स्टार्ट हुआ है सो so, उसके अलावा आप देखोगे एक uh, इसमें इन्होंने इवन प्लेटफॉर्म वॉज रीपर्पज टू कोविन जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एन एस एम एस आर बीइंग सेंट टू ऑल द बेनिफिशरीज सिंस द लास्ट टू डेज कि भाई आपको कब आना है और किसका नंबर आया है सो इंडिया हैज़ द हाइस्ट रिकवरी रेट मोर देन नाइन्टी सिक्स परसेंट एंड द लोएस्ट फर्टैलिटी रेट इन द वर्ल्ड ऑफ कोविड उसके अलावा ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड एजुकेशन सो यूजीसी ने रिसेंटली बोला है एजुकेशन द कंट्री टू एन ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स तो दिन पर दिन आप देखोगे इंटरनेशनल अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है तो यूजीसी ने बोला है कि एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया के बारे में सोचा जाए तो ये सारे जो डिपार्टमेंट होंगे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अकेडेमिक एंड रिसर्च कोलेबोरेशन विद फॉर इंस्टीट्यूशन तो ये क्या होगा ये जो ऑफिसर्स होंगे ऑफिसर्स ऑफिस फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स ये क्या होंगे किसी यूनिवर्सिटी के बीच में और फॉरेन यूनिवर्सिटी के बीच में कोलैबोरेशन के बारे में ये लोग बात करेंगे दे विल एक्ट एज ए लीज ऑन बिटवीन द फॉरन स्टूडेंट्स एंड द स्पॉन्सरिंग एजेंसी सो द ऑफिस विल डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस अमंग द प्रोस्पेक्टिव फॉरन स्टूडेंट ऑल्सो अंडर द एन आपको पता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ट्वेंटी इसमें मेन्स में भी आपने देखा यह क्वेश्चन आया हुआ है गवर्नमेंट ने खुद ही बोला है कॉलेजेस को कि उन्हें अपना ग्लोबल जो आउटरीच है ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाहिए इन इंडियन ऑफ द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एज अ इंडिया एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन उसके अलावा सक्षम अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है सक्षम क्षमता महोत्सव ट्वेंटी ट्वेंटी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर है सक्षम अवेयरनेस कैंपेन तो ये ग्रीन एनर्जी के अवेयरनेस के बारे में the campaign will spread awareness about clean energy. it is one, a one-month-long uh, people-centric fuel conservation program, or yeah, it is launched by the petroleum conservation research association. this has seven key drivers, and namely biofuels, moving towards gas-based economy, cleaner use of fossil fuels, achieving renewable targets in the, in the set deadlines, increasing use of electric vehicles, uh, to decarbonize mobility, increase use of cleaner fuels, and digital innovation across the all energy systems. तो लास्ट ईयर लगभग 1.48 करोड़ स्कूल चिल्ड्रेन से पार्टिसिपेट किया था इज ऑलमोस्ट नाइन करोड पीपल वर डायरेक्टली रीच थ्रू दी 47,000 प्रोग्राम्स अक्रॉस दी कंट्री उसके अलावा गुजरात की दो मेजर नदियां साबरमती नर्मदा उसके अलावा छोटी छोटी नदियां लाइक माही सागर विश्वमित्री एंड भादर जो है दे आर बींग पोल्यूटेड इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है आपकी जो है नाले जो है उसमें से ड्रेन से आपका जो गंदा पोल्यूटेड पानी है वो बहुत सारा इसमें ड्रेन हुआ है तो डेटा है एम का जिसमें बता रहा है कि साबरमती इज अम द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री और सोचो कि ये साबरमती और नर्मदा रिवर फ्रंट जो है वो इतना अच्छा बनाया गया गुजरात में बट यहाँ पे आप देखो कि नदियाँ कहीं जगह जो है आपकी पोल्यूशन हो रहा है सो so, यहाँ पे क्या हुआ है निकल रहा है मही सागर में अलॉग ए स्टेच ऑफ सेवरल किलोमीटर्स और गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसके लिए एक हाई तो लेवल कमेटी बनाएगा टू स्टडी द राइजिंग लेवल ऑफ दिस तो अगर ऑफिशियल पैरामीटर्स की बात करेंगे तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है जो पोल्यूटेंट के बारे में बताता है दो चीज़ें होती हैं बी होता है और एक सी होता है बी होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में बताता है सी आपके हर चीज़ के बारे में बताता है तो सी जो है वो हायर देन टू फिफ्टी पर लीटर है तो उसको पानी को रिलीज नहीं कर सकते नदी और जो नदियाँ जो जो, जो आ, Uh, जो ड्रेन है उनमें सीओटी पाया गया अराउंड सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड एम जी पर लीटर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है और जो जो ऑक्सीजन डिमांड लेवल है जो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल है कितना ऑक्सीजन होना चाहिए पानी में जो है उसकी लिमिट से बहुत नीचे इट इज मच मच बिलो टू पॉइंट नाइन एम जी पर लीटर तो ऑफकोर्स आपकी कोई भी फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगी बहुत डिफिकल्ट होगा किसी भी एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करना

एंड इस पीरियड में इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ इंडिया फॉलोड बाई सीरिया वेनेजुला ठीक है लार्जेस्ट गेन इन नियरली टेन मिलियन सो माइग्रेंट माइग्रेशन ऑफ इंडिया वॉज मोटिवेटेड बाई लेबर एंड फैमिली रीजन तो ये जी एस वन में आपका रिलेटेड है ये टॉपिक माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन सो यूएस हैज बीन द फेवरेट डेस्टिनेशन मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट्स की द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम तो ये जो है बता रहा है कि इंडिया से इंडिया की तो जो डायस्पोरसो सोचो अट्ठारह मिलियन लोग हैं इंडिया के इंडियंस जो बाहर रहते हैं इंडिया से कितना बड़ा पोटेंशियल है देन स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को ऑर्गेनाइज किया है, इस उसको 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 गया इसका नाम प्रारंभ है इज़ बिंग ऑर्गेनाइज बाई द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड जो डी है और ये मार्क करता है फाइव ईयर्स ऑफ द लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव सो प्रारंभ नाम है इसका नाम याद रखिएगा

और आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं स्टार्टअप्स में इसके बारे में देन इंडिया एंड जापान ने साइन किया एम ओ यू टू स्ट्रेंद कॉपरेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली टू एनहांस म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फाइबर ऑप्टिक टेलीकॉम सिक्योरिटी आपको पता है जापान इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ आई वहां वहाँ पे वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड है बट एक्चुअली में जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड है वो साउथ कोरिया में है उसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे ब्रॉडबैंड को कनेक्ट कर सकते हैं स्पेशली आप देखोगे पहाड़ी जो हिली रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया या लद्दाख रीजन आसपास रीजन देखोगे तो वहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं इंटरनेट के तो हाई स्पीड इंटरनेट कैसे पहुँचाया जाए अनकनेक्टेड एरियाज़ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और पब्लिक सेफ्टी एंड स्मार्ट सिटीज़ में कैसे हम इसको कोलाबरेट सकते हैं तो इसके बारे में अग्रीमेंट साइन किया गया है उसके अलावा आप देखोगे माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक टू पंजाब वेटलैंड तो <coughs> uh, सो कॉमन प्रचार्ड सीन एट द हरी के वेटलैंड सो हरी के वेटलैंड इज रामसार साइट ठीक है ये न्यूज़ में आता रहता है हरी के हरी के बैराज भी यहाँ पे तो हरी के वेटलैंड पे बहुत सारे माइग्रेटी बर्ड्स दिखे हैं आजकल वैसे कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ द बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा जो फैल रहा है उसकी वजह से भी वैसे कॉज ऑफ कंसर्न है बिकॉज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी बर्ड्स की डेथ हो गई सो द वेटलैंड एंड द ले वे फॉर्म बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेडवर्स अक्रॉस द सतल रिवर इन नाइनटीन उसके बाद आप देखो कि वेटलैंड जो लगभग हंड्रेड स्क्वायर माइल्स तक फैल चुका है एंड इज Home to a lot of rare varieties of birds. <coughs> birds such as Eurasian coot, greylag goose, bar-headed goose, gadwall, all of these birds जो हैं आपके spot किए जा सकते हैं and the number is between 92 to तो 94,000 over the years. उसके अलावा northern lapwing, Pacific golden plover. ये generally नाम एक बार देख लेने चाहिए पूरे याद करने की जरूरत नहीं है exam में बहुत easily होगा eliminate करना इनको देख के <coughs> और हमने इसराइल फेलस्टीन के बारे में बात किया था मेरे स्पेशल क्लास में और आप देखिए पेलेस्टाइन जो है इज गोइंग टू होल्ड इट्स फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ट्वेंटी वन आफ्टर अ स्पेन ऑफ फोटीन ईयर्स चौदह साल बाद नेशनल इक्शन होंगे पैलेस्टाइन में सो एज़ डिग्री साइन बाई दैलेस्टीन प्रेजिडेंट मोहम्मद अब्बास थ्री इलेक्शन पार्लियामेंट्री प्रेजीडेंशियल एंड नेशनल काउंसिल पोल विल बोल कंडक्टेड इन नेशन दिस दो ये फर्स्ट एवर जो आपका कह सकते हो लेजिलेटिव एंड प्रेजिडेंशल इलेक्शन था पैलेस्टाइन का वो नाइनटीन नाइनटीन में होल्ड किया गया था एंड दो दो नाइन देड टू भी पोस्प दतास आपका हमा, हमास और फता कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से सो so, ये दो पार्टीज हैं आपको बताया दे आर इन पावर एक वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है और एक गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करती है इसराइल के तो <coughs> दोनों के बीच में पोलिटिकल डिजोरेंस uh, है एक थोड़ा एक्स्ट्रीमिस्ट है दूसरा नॉन थोड़ी सी लेस एक्स्ट्रीमिस्ट है और दोनों के अपने अपने विचारधाराएं हैं किसको लेकर पैलेस्टाइन को लिबरेट करने को लेकर फ्राम द इसराइल उस वजह से आपके इलेक्शंस नहीं हो पाए थे एंड प्रेसिडेंट मोहम्मद नेशनल अथॉरिटी हैज अ मल्टी पार्टी तो ये इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और टू स्टेट सोल्यूशन बार बार न्यूज में आता रहता है उसको लेकर सो तो टू स्टेट सोल्यूशन डील्स विद दिस एस्पेक्ट उसके अलावा आगे बढ़ेंगे रिफाइन क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर टू एड फिजिकल सस्टेनेबिलिटी तो ये हमारे आर के गवर्नर के साहब साहब की तरफ से आए हैं सो मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ़ एक्सपेंडिचर वुड हेल्प एड्रेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल सस्टेनेबिलिटी वाल सपोर्टिंग ग्रोथ तो इसमें उन्होंने बोला है कि जो बैंक है उनको अपना रैशनलाइज करना पड़ेगा स्टेबलाइज करना पड़ेगा कि उनका एक्सपेंडिचर जो है कहाँ जा रहा है किस तरीके पे जा रहा है कहाँ खर्चा हो रहा है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि सस्टेनेबल हो पाए बैंक्स

उसका नाम था पैरा तो अभी तक ऐसे कोई बैड बैंक सेटअप नहीं किया गया सर्वे में आया था दो में सो बैड बैंक रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो जो जितने भी लोन्स होते हैं जो एनपीओ होते हैं बैंक के उसको उठाता है और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करता है ताकि ये बैंक अपने बाकी सारे काम पे फोकस कर सके सो बैड बैंक एंड क्रेडिट ग्रोथ

अब क्या पीपल मूव ऑल्सो इन अ पैक अकेले नहीं जाते शिकार करने साथ में कई सारे जाते हैं और और जोर का झटका धीरे से लगे टाइप वाला हिसाब है कि साथ में जाते हैं पूरे के पूरे सो इट इज वर्थ नोटिंग दैट इवन सिंगली ईल्स हैव बीन नोन टू अटैक शॉक्स ऑफ सिंगलील्स वोल्ट विच कैन किल अ पर्सन ऑल्सो एक लौती ईल जो है कि आदमी को भी मार सकती है आठ सौ साठ वोल्ट का झटका लगता है और सोचो पूरे प्रे जो है जब एक साथ ग्रुप में जाएंगे तो क्या हाल होगा उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ है वो है आप आगे म्यूटेशन को लेके आई है सो म्यूटेशन इन टैंडम रिपीट डी एन ए आर फाउंड टू बी कॉमन इन पीपल विद ऑटिज्मिस रिवील ट्वेंटी फाइव म्यूटेशन इंडिविजुअल्स विद ए एस डी देट वार्मफुल सो दीज म्यूटेशन अदर इंडिविजुअल्स तो इसको हम ऑटिजम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं तो so, एनालिसिस ने रिवील किया कि इसमें मल्टीपल म्यूटेशन हो सकते हैं सो so, एक नई स्टडी आई है दैट हेज़ बीन पब्लिश इन नेचर कैन इन्फॉर्म रिसर्च ऑन द रोल ऑफ इन टैंडम रिपीट डी एन एन अर डिजीजेस तो कई बार क्या होता Autoimmune diseases, diseases है ऑटो इम्यून डिजीजेस ठीक है जेनेटिक डिजेज होती हैं उसमें म्यूटेशन होते हैं कई बार तो वो अगर हम समझ पाते हैं तो हम उसे बेटर तरीके से क्योर कर पाएंगे फ्यूचर में देन एक स्टडी आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कि ग्लूकोज एडिक्शन कैन फोमैन ट्यूमर्स तो स्टडी रिवील कर रही है दैट जीन्स रोल्स इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज यूटिलाइजेशन माई ब्रेस्ट कैंसर सो ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द टॉप कॉजेज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ इन इंडियन क्योंकि मैक्सिमम महिलाओं को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं अवेयरनेस इज मिसिंग अबाउट इट तो एंड वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो कि ब्रेस्ट कैंसर इज अबाउट टू मिलियन न्यू केसेस बर डिटेक्टेड इन ट्वेंटी और कैंसर मोटाबलिज्म के अगर आप जो स्टडी आई उसमें नोट किया गया है दैट द ट्यूमर सेल्स आर एडिक्टेड टू ग्लूकोज तो अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हो या ग्लूकोज सब्सटेंसेज ज्यादा कंज्यूम करते हो तो ट्यूमर सेल्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के

इनके रोल को आइडेंटिफाई किया गया कि ये क्या करता है ग्लूकोज को यूज करता है ट्यूमर सेल्स को बड़ा करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के सो इन नॉर्मल केोअर सीबीएक्टल तो वो ट्यूमर को सप्रेस करेगा वहीं पर अगर सीबीएक्स टू ज्यादा है तो वो ट्यूमर को बढ़ाएगा सो ब्रेस्ट कैंसर सीबीएक्स टू एंड लोअर तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ध्यान रखिएगा इसके बारे में एक्सोटिक फूड एक्सचेंज इन द सेकंड मिलेनियम बीसी ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी आई है कि कैसे अलग अलग सिविलाइजेशन जो है अलग अलग तरीके के फ्यूड आइटम कंज्यूम करते थे और आपस में कैसे इसको शेयर करते थे सो द सिल्क रूट दैट कनेक्ट चाइनीज एंड सेंट्रल एशियन रीजन विदर्न एशियन एंड वेस्ट एशियन रीजन द वर्ल्ड एंड हाउ द ट्रेड बिटवीन बिटवी स्टार्टेड ओवर थाउजेंड और द सेकंड मिलेनियम तो उस समय क्या थे किंग ऑफ बेबिलॉन थे कौन सी जगह द रीजन नियर यूफेटीज रिवर्स ठीक है आपका इराक के पास तो वहां पे क्या थे हम रूल्ड एंड स्ट्रिक्ट मॉरल लॉज फॉर इस सब्जेक्ट एंड प्रोटीन एक्सप्लेन सो दिसलाज तो ये हमारा कंफर्म करता है कि इंडस वैली के साथ भी इनके एक्सचेंजेस इंडस वैली के सील्स और इंडस वैली के फूड आइटम्स एंड पॉट्री भी मिले मतलब इन देंस पॉट्री भी मिली हुई यहाँ पे सो ब्रॉन्ज एज इंडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग रही है पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री अगर आप देखोगे एंड एंड ब्रॉन्ज इज इन इंडिया पर्टिकुलरली द नॉर्थ वेस्ट इज डॉक्यूमेंटेड बाई द आर्क्योलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियंस सिमिलरली आप देखोगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ ऑलरेडी मूव फ्रॉम द स्टोन एज द ब्रॉन्ज एज वैन मेटोलॉजी वैली सिविलाइजेशन अराउंड ट्वेंटीड बी सी इज वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर इज ऑर्गनाइजेशन दिटीज ऑफ मोहनजोदारो एन हरप्पा इन वॉट इज नाउ इन पाकिस्तान

माग्रीन हो गया बेकरी शॉर्टनिंग्स होगी अदर कुकिंग मीडिया लाइक वेजिटेबल फैट सो वॉट आर ट्रांस फैट्स एंड वाई दे आर हार्मफुल तो आप देखो कि जितने भी नेचुरल ऑयल्स होते हैं या फैट्स होते हैं देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैचुरेटेड सैचुरटेड पॉलीसैचुरटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो इसमें जनरली दो टाइप के होते हैं ट्रांस फैट ट्रांसफ एक तो नेचुरली अक्रिंग होते हैं दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट तो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट क्या होते हैं जो आपके ये ऑयल को रिफाइन करके बनाए जाते हैं दे आर कंसिडर्ड एज हार्मफुल

डाई ग्लोबली हर साल ड्यू टू कंजम्पन ऑफ दीज ट्रांसफैटी एसिड ठीक है देन प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ एट ट्रेन टू बूस्ट कनेक्टिविटी टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो ये नई ट्रेन लॉन्च की गई है जो आपके केवड़िया जाएंगी अहमदाबाद केवड़िया रूट पर जाएंगी और इसमें क्या है आपकी विस्टा डोम कोचेस हैं विच विल बी ऑफरिंग पैनोरॉमिक व्यू ऑफ द स्काई लाइन सो केवड़िया स्टेशन गुजरात में इज गोइंग टू द फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडिया विद अ ग्रीन बिल्ड सर्टिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए दीज प्रोजेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट एम एट बूस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म द रीजन तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल को ऑनर में बनाई गई है एंड इसका इनाग्रेशन अक्टूबर दो में किया गया था ऑन दिस वन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल

लगभग 26 किलोमीटर बन रहे थे एक दिन में वो बढ़ के दो किलोमीटर ज्यादा हो गया 2.2 किलोमीटर बढ़ गया 2.1 किलोमीटर के आसपास तो ये क्या है बहुत अच्छी बात है मिनिस्ट्री इज होपफुल दैट सच पेस इट शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट टारगेट ऑफ 11,000 थाउजेंड किलोमीटर्स बाई थर्टी मार्च उसके अलावा देखो मल्टीपल जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं उसको अवार्ड दिया गया है कि इतना बनाना है सेवन फाइव नाइन सेवन किलोमीटर्स का ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी में आप देखोगे जो प्रोजेक्ट्स थे ऑफ थ्री फोर सेवन फोर किलोमीटर पर अवॉर्डेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड सो इन टोटल प्रोजेक्ट्स ऑफ एट थाउजेंड नाइन फोर्टी एट किलोमीटर ऑफ रोड्स वर अवार्डेड इन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी स्पेशली आप देखो कि थोड़ा इसमें बूस्ट इसलिए मिला बिकॉज कोविड नाइन्टीन में लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये इनको एक रोड खाली मिल गई बनाने के लिए सो दिस वॉज ऑफकोर्स बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ दैट एंड क्योंकि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोड बनाना बहुत जरूरी है तभी जाके आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकवरी में भी थोड़ा हेल्प मिलेगी उसके अलावा सेंटर हैडेड द पवन हंस बिडिंग डेडलाइंस बाय अ मंथ तो गवर्नमेंट साइड चैलेंजेस फेस बाय बिडर्स ड्यू टू द पेंडेमिक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड कर दिया जो बिडिंग डेडलाइन थी फॉर स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पवन हंस बाई मंथ सो पवन हंस आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था इसका इसका जो है आपका डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा आएगा इसको डिस इन्वेस्ट करके प्राइवेट सेक्टर को बेचने के बाद उसको ये यूटिलाइज करेंगे फॉर सोशल वेलफेयर तो ये बट uh, अब क्या हो गया कि इसमें इतना ज्यादा कोई फेवरेबल बिडिंग आई नहीं तो सरकार ने क्या किया इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया बिकॉज इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर द गवर्नमेंट क्योंकि जो सरकार का प्लान था टू रेज अराउंड टू पॉइंट वन लाख करोड़ थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट विच इज जस्ट अबाउट फोर्टीन थाउजेंड करोड़ रेज सो फार तो अभी इसमें आप देखोगे जो बैलेंस फोर्टी नाइन परसेंट स्टेक है पवन हंस में वो ओ एन जी सी के पास है तो जो जो सक्सेसफुली बिड करेगा इसमें दे वुड बी गिवन एन ऑप्शन टू बाय आउट द ऑयल मेजर स्टेक ऑन अ सिमिलर प्राइस इन टर्म्स अग्रीड फॉर द सेंटर स्टेक तो डीपम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ये जो है आपका इसको कैरी आउट करेगा ठीक टारगेट फॉर इकॉनमी रिकवरी मीट नहीं कर सकती। तो ये एक टारगेट था जो अभी इनका अचीव नहीं हो पाया <coughs> उसके अलावा इंडिया इंटरवीन ऑन जाफना वैरसिटी मेमोरियल इशू तो आपको है जयशंकर साहब श्रीलंका गए थे और तमिलियन के इशू को लेकर उन्होंने कंसर्न भी रेज किया था तो इंडिया ने मैसेज भेजा टू द श्रीलंकन फ्रेंडशिप ऑन द कॉन्ट्रोवर्शल डेमोलिशन ऑफ अ मेमोरियल फॉर वॉर विक्टिम्स ऑफ द जाफना यूनिवर्सिटी अपीयर्स टू हैव अथॉरिटीज डिसीजन टू रीबिल्ड द स्ट्रक्चर ऑन कैंपस तो इसमें एक सीक्रेट मीटिंग हुई है जिसमें आप देखोगे एक वॉर मेमोरियल था वहाँ की यूनिवर्सिटी में जिसको जो है आपके ब्रिंग uh, डाउन कर दिया गया इट ऑल बिगेन लीड ऑन जनवरी एट अथॉरिटीज बुलडोज द मेमोरियल इलेक्टेड टू ईर्स अगो टू कमोमरेट द ऑफ स्कोर्स सिविलियन इन द फाइनल फेज ऑफ श्रीलंका सिविल वॉर इन टू थाउजेंड नाइन उन्होंने क्या जो वहाँ के तमिलियन से आप देखो कि उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ कैरी आउट की जाती हैं जिसमें इंडिया ने कई बार अपने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं और ये कभी और काफी टाइम से पॉलिटिकल इशू रहा है तमिलनाडु के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जहाँ में तमिलनाडु ने हमेशा बोला है कि तमिलियंस का जो कंसर्न है वो श्रीलंका में भारत सरकार उठाए <coughs> उसको लेके वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया था जो वॉर हुए थे सिविल वॉर चल रहा था एल के साथ तो उस मेमोरियल को गिरा दिया गया है उसको लेके भारत सरकार ने इंटरवीन किया अरे सिक्स फॉर जस्टिस नाइनटीन एटी फोर ए साहब क्या हो गया सर क्रांतिकारी होना सही है बट क्लास के बीच में क्रांतिकारी बना क्यों कर रहे हो नाउ व्हाट इज फाइव जी इन हाउ इंडिया इज प्रिपेयर टू अडेप्ट दिस टेक्नोलॉजी तो अगर आप स्पीड वाइज देखोगे टू पॉइंट फोर से सिक्सटी फोर से टू एम बी टू हंड्रेड एम बी और फाइव जी में जो आपकी स्पीड अचीव हो सकती है वो लगभग हंड्रेड एम बी से वन जी बी पी एस तक हो सकती है

तो लो बैंड स्पेक्ट्रम हैज शो, शोन ग्रेट प्रॉमिस इन टर्म्स ऑफ कवरेज एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट मैक्सिमम स्पीड इसमें जो हंड्रेड एम तक लिमिटेड है एंड इंटरनेट स्पीड इन द हायर बैंड हैज बीन एज हाई एज ट्वेंटी जी बल्कि फोर को अगर आप कंपेयर करोगे तो फोर में जो मैक्मम रिकॉर्डेड अराउंड इज वन जी बी वन जी बी तक बट तो Gb, वहीं पे 5G में जो एडवांस बैंड है जो हाई बैंड है उसमें बीस जी तक भी स्पीड जा सकती है So, where does India stand in terms of five uh, G technology race? So, India had in two thousand and eighteen planned to start five G services as soon as possible with an aim to capitalize on the better network. All the three private telecom players, Reliance, Bharti Airtel, and V, VK Vodafone India, has been using the DOT to lay out a clear roadmap of spectral allocation. अभी इसके बारे में काम चल रहा है अभी हम लोग टावर्स की बात चल रही है अभी बहुत सारे भी क्योंकि स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ नहीं है सो मोर देन द गवर्नमेंट ग्लोबल टेलीकॉम कंपनीज हैव स्टार्टेड बिल्डिंग 5G नेटवर्क्स इन अदर कंट्रीज लाइक चाइना सम ऑफ द सच एज यूनिकॉम हैड स्टार्टेड टलीकॉम सचेस्ट चाइनाजिकॉम हैर्लीस्ट ट्वेंटी एटी सिमिलरली सैमसंग ने भी uh, जो है आपकी फाइव टेक्नोलॉजी पे दो में रिसर्च चालू कर दिया था तो अभी इंडिया थोड़ा पीछे इस मामले में मतलब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी चालू हो जाएगी उसके अलावा पोल्यूटेड हरियाणा ड्रेन अमंग द रीजन फॉर हाई यमुना अमोनिया लेवल ये एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है भाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनका यह कहना है कि भाई जो ये दिसंबर ए ट्वेंटी एटीन में जो डेटा आया है उसके बेसिस पे कि जो ये हरियाणा से जो ड्रेन्स निकल के आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन और अमोनिया लेवल जो है उसको इंक्रीज करें अमोनिया इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एवरी वन स्पेशली एक्वेटिक स्पीशीज सो अनदर ऑब्जर्वेशन जो है कि वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर बिगन टू डिट्रेट ओवर आफ्टर यमुनानगर एंड पानीपत डाउन स्ट्रीम इन दी हथनी कुंड बराज तो यमुना का पानी कहाँ से खराब होना चालू होता है जहां से आपका ये यमुना नगर और पानीपत से एंटर करती है से से सबसे ज्यादा हरियाणा पे डिस्चार्ज करते हैं एफ्लुएंस का देन इज द ओपन स्काई स्ट्रीटी हमने इसके बारे में पहले बात की थी बट फिर भी सो तो ये ये क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया वैसे ज्यादा कुछ और थी नहीं ज्यादा मेजर न्यूज ये मोस्टली हमने कवर कर लिया है जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज है इन द न्यूज पेपर

तो द ओ एस टी एम्स एट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग मेंबर्स थ्रू म्यूचुअल रिस्पॉन्स दस रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए स्पाइंग भी हो सकती है जैसे अंडर द ट्रीटी अ मेंबर कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विद लैटर्स कंसेंट अ कंट्री कैन अंडरटेक एरियल इमेजिंग ओवर द होस्ट स्टेट आफ्टर गिविंग सेवेंटी टू आवर्स का नोटिस एंड शेयरिंग द एग्जैक्ट फ्लाइट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स बिफोर तो ओपन स्काई ट्रीजी क्या है कि खुल्लम खुला आप हमारे स्काइज के ऊपर अपने प्लेन से स्पाई कर सकते हो बट वो इसलिए साइन किया गया कि कहीं गलती से हमने प्लेन गिरा दिया तो एक्सीडेंटल वॉर ना चालू हो जाए तो ये क्या है बेसिकली इट्स लाइक कि आओ हमारे घर पे तुम निगरानी रखो लेकिन पहले बहत्तर भा, घंटे पहले हमें बता देना दैट इज द फिलोसफी ठीक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत सारे लोगों का नहीं पता होगा इसके बारे में कि ओपन स्काई सीज बोलती है कि आओ हमारे ऊपर निगरानी रखो लेकिन पहले बता देना जब आओगे अपना प्लेन लेके तो वो क्या है कि ये इन कंट्रीज के बीच में क्योंकि इन कंट्रीज के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है सो दे हैव गिवन एन ऑप्शन कि आओ आप मॉनिटर कर सकते हो हमारे ट्रूप्स को हमारे हर चीज को आप स्कैन कर सकते हो लेकिन पहले बता देना सो ओनली अप्रूव्ड इमेजिंग इक्विपमेंट इज परमिटेड ऑन दर्वेलेंस फ्लाइट्स एंड ऑफिशल होल स्टेट कैन ऑलसो स्टे ऑन बोर्ड थ्रू आउट जर्नी तो ये क्या है? ये प्लैंड तरीके से होता है अब यू ने पुल आउट कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला रशिया इसको फॉलो नहीं कर रहा है सो वायर इट वॉज इन्वेस्टार्ज एज अ की आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट मेन इन वॉशिंगटन है कि मॉस्को जो है सर्वेलेंस फ्लाइट करता है लेकिन यूएस को बताता नहीं तो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वाज वेरी अनहैप्पी विद रशियन रिकॉन्सेंस फ्लू गोल्फ कोर्स इन न्यू जर्सी स्टेट इन 2017 तो प्रेसिडेंट साहब गोल्फ खेल रहे थे गोल्फ खेलने के दौरान उनके ऊपर रशिया का स्पाइप प्लेन निकल गया तो ही गॉट वेरी एंग्री अरे ओपन स्काई स्ट्रीटी का वायलेशन सो इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस किया दैट दे आर विद फ्रॉम इट कि रशिया जो है इसको ऑनर नहीं कर रहा है सो द ओ एस टी वॉस नाइनटीन नाइन टू विच मच बिफोर द एडवेंट ऑफ द एडवांस सैटलाइट इमेजिंग तब तक इतना ज्यादा होती नहीं थी सैटेलाइट इमेजरी अब तो बहुत एडवांस हो गई है तो येट एज पर द इकोमिस्टिस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट प्रोवाइड की इन्फॉर्मेशन दट स्टिल के नॉट बी गादर थ्रू सैटलाइट सेंसर्स क्योंकि सैलाइट के अलग अलग इश्यूज हैं कभी क्लाउडी वेदर होगा एक्जैक्ट लोकेशन पर आने में टाइम लगेगा अर्थ रोटेट रही है तो प्लेन को आप मनूवर कर सकते हो सैटेलाइट को उतना मनूवर नहीं कर सकते तो इसलिए ओ एस टी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी बट अभी इससे पुल आउट कर दिया बाकी देखते हैं जो बाइडन आएंगे तो क्या होता है एंड काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका ओ का उसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर आपको याद है रिपोर्ट आई है जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी जो हमारी स्पेशल uh, क्लास थी इन्वायरमेंट की कि इन जो अर्थ ग्लोबली आप देखोगे 2020 जो है हमें आपका अभी तक का हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोविड 19 था और इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो रही थी उसके बावजूद भी

तो इनके रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स के बारे में स्टडी है माइनर से स्टडी है बट इंपॉर्टेंट है कि कैसे इनका रिप्रोडक्शन केपेबिलिटीज चेंज होती है बेस्ड ऑन द इनवायरमेंट चलिए आज के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं विद रेफरेंस टू द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉर्पस फंड लगभग दस हजार करोड़ का है एंड इट वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इसके बारे में हमने आज ही बात करी है तो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में बात कर रहा है आप लोग के ऑप्शन सामने हैं वन एंड टू वन टू एंड थ्री बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉट टू सो करेक्ट आंसर इज बी ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है हजार करोड़ रुपए का दस हज़ार बहुत ज्यादा होता है ठीक है आप सोचो ना वैल्यू जो कभी भी मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं इनको रेड फ्लैग बोलते हैं हम लोग कि ये जो वैल्यू है ना दस हजार करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है हज़ार करोड़ पाँच सौ करोड़ आपने कभी कोई स्कीम देखी दस हजार करोड़ सो वो सोशल वेलफेयर के लिए ठीक है तो सोशल वेलफेयर को लेके है जब तक आप ये देखोगे नहीं कि तो अमाउंट बहुत बड़ा है तो वो प्रारंभ के टाइम तो अनाउंस तो किया गया लेकिन वो हजार करोड़ का है ना कि दस हजार करोड़ नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू द सेक्शन थर्टी ऑफ द यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट सेक्शन तीस जो है कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट का उसको 96 में पास किया गया द प्रोवाइड लीगल इम्यूनिटी टू इंटरनेट कंपनी एक्ट सिबल फॉर दॉमेंट्स एंड पोस्ट ऑनलाइन ये भी हिंदू में आया है बट उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में समझेंगे बाकी जो रात वाली क्लास लूंगा मैं टेन थर्टी पे उसमें हम ऐसे और न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे बाकी पहले जो है थर्टी पीएम पे आपकी स्पेशल क्लास है उसको अटेंड करिएगा ऑन प्रिलिम स्ट्रेटेजी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे टूडेट सिक्स थर्टी पी एम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्रोफाइल का अगर आपको प्रोफाइल में जाके स्पेशल क्लासेस में ऑन गोइंग इन अपकमिंग सेक्शन में मिल जाएगा सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज सी दोनों ही सही है तो ये क्या है दिस इज सेक्शन 230 थर्टी यू एस का बड़ा डिबेटेबल सेक्शन है यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट का तो ये क्या करता है ये बेसिकली जो है वॉज पास इन नाइनटी सिक्स एंड प्रोवाइड्स लीगल इम्यूनिटी टू इंटरनेट इम्यूनिटीज फॉर कॉन्टेंट दट इज शेयर वेबसाइट तो बेसिकली पॉर्नोग्राफी जो है ऑनलाइन पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए बनाया गया था सेक्शन टू थर्टी इज एन अमेंडमेंट टू द एक्ट विच होल्ड यूजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमिंग पोस्ट ऑनलाइन

बाकी पच्चीस जनवरी डेट याद रखेगा अन अकेडमी की जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उसकी प्राइस बढ़ने वाली है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड है डी पर्टी टेन और डी टू सेवन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनल डिस्काउंट एंड यू कैन यू गेट द चांस टू स्टडी विद टॉप एक्सपर्ट एंड इंड मेंज ठीक है मैं मिलूंगा आपसे आज की स्पेशल क्लासेज एंड प्लस क्लासेज थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ट्यूनिंग इन हैव अ गुड डे एंड आई हैव अ ग्रेट वीक हैड ऑल द बेस्ट एवरी वन एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ सेल्फ थैंक यू सो मच बाय गाइस हैव अ